एक बहन का सवाल है, क्या औरतें जीन्स और लेगीज पहन सकती है? और क्योंकि इस्लाम हिजाब का हुक्म देता है, तो क्या घर में जीन्स या लेगिंग्स पहन सकती है, और क्या बुरके के अंदर जीन्स पहन सकती है या नहीं? बहन ने बहुत अच्छा सवाल किया। उनके दो सवाल हैं। नंबर एक, क्या खवातीन जीन्स या लेगिंग्स पहन सकती है या नहीं? और क्योंकि इस्लाम हिजाब का हुक्म देता है, तो क्या बुरखे के अंदर से जीन्स या लेगिंग पहन सकती है या फिर घर में पहन सकती है या नहीं? आइए हम जानते हैं पहला सवाल, क्या इस्लाम में जीन्स या लेगिंग्स पहनना खवातीन के लिए जायज है या नहीं? इस्लाम में जीन्स या लेगिंग्स पहनना जायज नहीं है, हराम है। इसकी दलील है, कुछ अहदीस में पेश करूंगा। सबसे पहले हदीस सही मुस्लिम की है। सही मुस्लिम हदीस नंबर 5310। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दो जहन्नुमी है, दो टाइप के जहन्नुमी है, दो तरह के जहन्नुमी है जिन्हें मैंने नहीं देखा, जो कयामत से पहले जाहिर होंगे, जो कयामत से पहले जाहिर होंगे। उनमें ऐसी औरतें हैं जो कपड़े तो पहनेंगी, लेकिन कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी, और उनके सर बुख्ती ऊंट के कुहान की तरह होंगे जो ढलते हुए होंगे। ये औरतें, ये खवातीन दूसरे लोगों को अपने तरफ मायल करेंगी, उन अपने तरफ लोगों को अट्रैक्ट करेंगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐसी औरतें जो कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी वो जहन्नुमी है। कपड़े पहनने के बावजूद नंगी होंगी से मुराद ऐसे कपड़े जो या तो बहुत पतले होंगे जिसके थ्रू देखा जा सके, या फिर बहुत टाइट होंगे, बहुत चुस्त होंगे, जिसकी वजह से बॉडी का शेप दिखाई दे। इस्लाम में पतले कपड़े या बहुत टाइट कपड़े, चुस्त कपड़े हराम है, जायज नहीं है, चाहे वो मर्द हो या खवातीन, दोनों के लिए ऐसे कपड़े जायज नहीं। इसी बुनियाद पर जीन्स और लेगिंग्स पहनना इस्लाम में जायज नहीं। दूसरा सवाल, क्योंकि हिजाब फर्ज है, तो क्या घर के अंदर पहन सकती हैं जीन्स या लेगिंग्स, और क्या बुरखे के अंदर जीन्स पहन सकती है? नहीं। ये जानने के लिए हम हिजाब के बारे में जान लें। अल्लाह बारे ताला कुरान में हिजाब का हुक्म देता है पहले मर्दों को और फिर खवातीन को। अल्लाह बारे ताला फरमाता है सूरह नूर, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 30। अल्लाह बारे ताला फरमाता है, ईमान वाले मर्दों से कह दो, ईमान वाले मर्दों से कह दो कि वो अपनी निगाहें नीची रखें, अपनी नजरें नीचे रखें और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें। अल्लाह बारे ताला मर्दों को हुक्म देता है हिजाब का खवातीन से पहले। अल्लाह बारे ताला ने ईमान वाले मर्दों से कहा कि जब भी उनकी नजर किसी खातून पर पड़ जाए तो उनको चाहिए कि वो अपनी नजर नीची करें। इसके बाद में अल्लाह बारे ताला हुक्म देता है ईमान वाली खवातीन को हिजाब का। अल्लाह बारे ताला फरमाता है सूरह नूर, सूरह नंबर 24 आयत नंबर 31। अल्लाह बारे ताला फरमाता है कि ईमान वाली औरतों से भी कह दो कि वो अपनी नजरें नीची रखे, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करें और अपने बनाव सिंगार को जाहिर ना करें, सिवाय उसके जो खुद ब खुद जाहिर हो जाता है, और अपने सीने पर, अपने गिरेबान पर अपने दुपट्टे को डाले रहे। और जो हिजाब का क्राइटेरिया है, जो हिजाब का मियार है जिसकी बिना पर हिजाब करना चाहिए, उसके 6 पॉइंट है। नंबर एक, सतर। मर्द के लिए सतर है उसके नाप से लेकर तो घुटनों तक, बेंबी से तो घुटनों तक, और खवातीन के लिए पूरा जिस्म ढका रहना चाहिए, जो खुला रह सकता है वो इतना हाथ और इतना चेहरा।
बाकी 5 नुकात मर्द और खवातीन के लिए सेम है। दूसरा पॉइंट, कपड़े ट्रांसपेरेंट नहीं होना चाहिए, कपड़े इतने पतले नहीं होना चाहिए जिसके थ्रू देखा जा सके। पॉइंट नंबर 3, कपड़े चुस्त नहीं होना चाहिए, टाइट नहीं होना चाहिए, जिससे बॉडी का शेप दिखाई दे, बॉडी का ढांचा दिखाई दे। पॉइंट नंबर 4, कपड़े इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए जिससे लोग उनकी तरफ मायल, इतने भड़कीले नहीं होना चाहिए। पॉइंट नंबर 5, कपड़े अपोजिट जींस के नहीं होना चाहिए, अपोजिट जेंडर के नहीं होना चाहिए, मर्द खवातीन के कपड़े नहीं पहनना चाहिए और ना खवातीन मर्दों के कपड़े पहनने चाहिए। पॉइंट नंबर 6, गैर मुस्लिम जो नॉन मुस्लिम है उनके मजहब की निशानी वाले कपड़े नहीं पहनना चाहिए, ऐसे कपड़े नहीं पहनना चाहिए जो गैर मुस्लिमों के मजहब की निशानी। ये 6 पॉइंट है हिजाब के लिए। इस बिना पर जींस और लेगिंग्स घर में भी नहीं पहन सकते, क्योंकि कपड़े टाइट नहीं होना चाहिए, दूसरा अपोजिट जींस के नहीं होना चाहिए, मर्द औरत के कपड़े और औरत मर्द के कपड़े नहीं पहनने चाहिए, तीसरा कपड़े भड़कीले नहीं होना चाहिए जो अट्रैक्ट करे, जो माइल करे अपोजिट जींस को। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मर्दों को औरतों से मुशाबियत करने से मना फरमाया, यानी मर्द को औरतों की तरह नहीं रहना चाहिए, नहीं दिखना चाहिए। इसी तरह औरतों को, खवातीन को मर्दों से मुशाबियत करने से मना फरमाया। सुनन अबू दाऊद की हदीस है, हदीस नंबर 4097, सही हदीस है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई जो औरतों से मुशाबियत करता है, और उस औरत पर लानत फरमाई जो मर्दों से मुशाबियत करती है। और एक हदीस है सुनन अबू दाऊद की, हदीस नंबर 4098, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस मर्द पर लानत फरमाई जो औरतों का लिबास पहनता है, और उस औरत पर लानत फरमाई जो मर्दों का लिबास पहनती है। और अल्लाह ताला फरमाते हैं कुरान में सूरह आज़ाब, सूरह नंबर 33, आयत नंबर 59, जिसमें अल्लाह ताला फरमाता है, ए नबी आप कह दीजिए अपनी बीवियों से, अपनी बेटियों से और ईमान वाली औरतों से कि जब भी वो घर से बाहर निकले तो अपने आप पर चादर डाल ले, अपने आप पर जिलबाब ओढ़ ले, ताकि वो पहचानी जाए और उन्हें कोई छेड़े ना। सूरह नूर 24 आयत नंबर 30, सूरह नूर 24 आयत नंबर 31, सूरह आज़ाब 33 आयत नंबर 59, सही मुस्लिम हदीस नंबर 5310, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4097, सुनन अबू दाऊद हदीस नंबर 4098। इस बुनियाद पर जींस और लेगिंग्स घर में, बाहर, बुरखे के अंदर कहीं भी पहनना जायज नहीं। सवाल पूछने के लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप पर, पहले अपना नाम, अपने शहर का नाम और अपना सवाल आप मुझे व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9561942454। आप अपना सवाल मुझे इंस्टाग्राम पर भी भेज सकते हैं, या फिर आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं talakbek988@gmail.com पर। आप अपना सवाल कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं।